Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the introduction to your SEM 6 subjects, and we are going to discuss in detail semester 6 subjects which are related for your TY BCom. So sare subjects ke bare mein hum yahan pe discuss karne wale hain. Aapka pehla subject jo aapke accountancy group ka subject hai wo hai financial accounting. If we compare semester 5 with semester 6, to semester 6 ke financial accounting ke topics thode se calculative hai, थोड़े डिफिकल्ट है, और कुछ नए चैप्टर्स भी लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसके बारे में भी डिटेल्स वीडियोस में डालूंगा, तो आपको उससे प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्प हो जाएगा. बट ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 6 को अगर हम सेम 5 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, थोड़ा लेंथी टॉपिक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे LLP है, जैसे अंडरराइटिंग वाला एक चैप्टर है, फिर अमालगमेशन का चैप्टर हो जाएगा. काफ़ी कैलकुलेटिव चीज़ें यहाँ पे सेम 6 में आपको देखने मिलेगी. तो अगर हम सेम 5 को सेम 6 के साथ कंपेयर करें तो थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेमेस्टर 6 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन जाएगा. बट अगर हम किसी भी चीज़ को रूटीन लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे. तो ये आपका जो अकाउंटेंसी ग्रुप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट आपका अभी चेंज नहीं होगा. सेम 6 में भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगा. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देर आर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स, बट काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड, वो आपके बहुत सारे कैलकुलेटिव चैप्टर्स होने वाले हैं. कुछ चैप्टर्स में जर्नल एंट्रीज आएगा, कुछ चैप्टर्स में बैलेंस शीट आएगा, तो सारी चीज़ें के बारे में मैं डिटेल वीडियोज डालूंगा. लेकिन फिलहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है. नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉस्टिंग, एंड इट्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू सेम 5 इज कंसर्न. तो सेम 5 में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हुए थे, जैसे लेबर कॉस्टिंग में, जैसे मटेरियल में, EOQ में, बहुत सारे कैलकुलेशंस थे. लेकिन अगर हम अभी सेम 6 को कंपेयर करेंगे तो सेम 5 के कॉस्टिंग से सेम 6 का कॉस्टिंग काफ़ी ईजी है, और आप इस सब्जेक्ट में, इस कॉस्टिंग में, सेम 6 के कॉस्टिंग में मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं. तो एक सब्जेक्ट सेम 5 से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दूसरा सब्जेक्ट सेम 5 से थोड़ा सा इजी भी है. तो सेम 6 में हम कॉस्टिंग में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी इजी चैप्टर्स यहाँ पे है, और उसके बारे में भी मैं वीडियोज धीरे धीरे लेवल्स पे डालते रहूँगा, सो दैट आपको आपके प्रिपरेशन में उसका. तो कॉस्टिंग इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू सेम 5. चैप्टर्स आर वेरी इजी बिकॉज चैप्टर्स में फॉर्मूला बेस है, पोस्टिंग बेस है, और लेवल्स ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेटिव चीज़ें नहीं है. अगर आप एक दो क्वेश्चंस इस एक लेवल के प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसी लेवल से आगे फॉरवर्ड होना है, और उसी लेवल पे आपको आगे की चीज़ों को प्रैक्टिस करना है. इसलिए कॉस्टिंग कंपैरेटिवली इजी रहेगा, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हम कॉस्टिंग में मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकेंगे और अपने परसेंटेज को हाइक या राइज कर पाएंगे. नेक्स्ट जो दो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम, एंड दैट इज थियोरटिकल सब्जेक्ट्स, इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना पड़ेगा. वन इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स तो आपका सेम 5 में भी था, यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स होगा सेम 6 में. थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए आपको लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है. पहले से ही आपको धीरे धीरे थियोरी के ऊपर फोकस करना है. जैसे मैंने पहले भी आपको सेम 5 में बताया था कि थियोरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो यहाँ पे भी थियोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आपको इकोनॉमिक्स पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर, लास्ट मोमेंट में जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड फेस ना हो. अगर हम सेम 5 की बात करें तो सेम 5 में हमें मार्केटिंग था, तो आपने सारी चीज़ें मार्केटिंग रिलेटेड पढ़ी थी. कॉमर्स पेपर जो है आपका, जिसको सिलेबस से रिलेटेड मार्केटिंग के बहुत सारे पॉइंट्स उसमें आपने पढ़े थे. अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे आने वाला है विच इज़ कॉल्ड एज HRM. तो आपका अभी जो मार्केटिंग का सब्जेक्ट था वो अभी HRM बन जाएगा. सब्जेक्ट का नाम तो सेम रहेगा, दैट इज़ कॉमर्स पेपर, बट बेसिकली HRM के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ दी परफॉर्मेंस, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप लेक्चर सुनोगे, जब आप ये पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करोगे, तो काफ़ी इजी लेवल पे आपको समझ में आएगा. लेकिन काफ़ी लेंदी है, तो इसलिए HRM के ऊपर भी आपको पहले से ही फोकस करना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इजी है, मार्केटिंग के कंपैरिजन से HRM काफ़ी इजी है, लेकिन सिर्फ मार्केटिंग के कंपैरिजन से HRM थोड़ा लेंदी है. इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. अगर आप बेसिक्स को समझ लोगे तो आप एग्जाम से रिलेटेड आंसर्स को इजीली एग्जाम में लिख पाओगे.
सो अगेन टू थेरोटिकल सब्जेक्ट्स जो हर कॉलेज में कंपलसरी होगा बिकॉज इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसमें कॉमर्स पेपर में ही ये पॉइंट है दैट इज़ दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि आपके हर कॉलेज में ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स है मतलब दो थियोरटिकल सब्जेक्ट्स हमारे सेम है इकोनॉमिक्स सेम है कॉमर्स पेपर भी सेम है लेकिन कॉमर्स पेपर में अभी आप मार्केटिंग के जगह पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पढ़ोगे तो ये आपके चार सब्जेक्ट हुए अभी आएंगे आपके दो सब्जेक्ट्स विच इज़ कॉल्ड एज अप्लाइड कंपोनेंट अगर हम अप्लाइड कंपोनेंट की बात करें तो अप्लाइड कंपोनेंट में जिन लोगों को सेम फाइव में टैक्स था डायरेक्ट टैक्सेस अभी डायरेक्ट टैक्स पूरा चेंज हो जाके इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप एक ही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बिकॉज यू ऑल आर अवेयर दैट काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंज आया था जिसमें सारे टैक्सेस को सबसूम्ड किया गया और एक नया टैक्स आया कॉल्ड एज GST कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आप पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़नी है अगर पूरा सिलेबस GST के ऊपर है तो बहुत सारी थेरोटिकल चीज़ें भी इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी बट एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ तो आपको उससे रिलेटेड हेल्प हो जाएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस तो जिनको इनडायरेक्ट टैक्सेस है मतलब जिन्होंने टैक्स लिया है उनको GST और कंप्यूटर पढ़ना है कंप्यूटर एक अलग सब्जेक्ट होगा और जिनके कॉलेजेस में ये अप्लाइड कंपोनेंट नहीं है उनके पास EMSSI का सब्जेक्ट होगा एक्सपोर्ट मार्केटिंग होगा परचेसिंग एंड स्टोर कीपिंग जो सब्जेक्ट है वो होगा और या फिर मार्केटिंग रिसर्च का सब्जेक्ट होगा तो अप्लाइड कंपोनेंट तो डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है जिस कॉलेज में आप हो उस कॉलेज के ऊपर की यूर कॉलेज इज ऑफरिंग विच सब्जेक्ट टू यू बट बेसिकली अप्लाइड कंपोनेंट में अगर हम ये दो सब्जेक्ट देखें फर्स्ट एंड सेकंड वाला कॉल्ड एज GST मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस तो ये थोड़े से स्कोरिंग सब्जेक्ट है बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीज़ों को रिलेट करती है और प्रैक्टिकल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे एज कम्पेयर टू यूर थेरोटिकल सब्जेक्ट्स एज कंसर्न बट दैट डिपेंड्स तो इसके ऊपर भी काफ़ी रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं तो दिस आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू यूर सेमिस्टर 6 जल्दी ही आप अभी वेकेशंस मना रहे हो जल्दी ही हम हमारे सेम 6 के वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लेना टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर Be smarter.